हेलो एवरीवन, कुकिंग फूड विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेल्दी, क्रिस्पी और स्वादिष्ट आटे के समोसे। समोसे तो सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। कहीं ज़्यादा मैदा खाने से डाइजेशन ख़राब ना हो जाए, इसकी चिंता बनी रहती है। तो चिंता छोड़िए और खाइए ये क्रिस्पी खस्ता आटे के समोसे। देखिए कितने क्रिस्पी समोसे बने हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मुझे एक बर्तन में 2 कटोरी आटा ले लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी 5 चम्मच के करीब तेल। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। या आप अगर 1 किलो आटे से बना रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम मोयन डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा आटे के हिसाब से नमक। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ जिससे मोयन अच्छे से मिल जाए। अब मैं मुट्ठी में करके देखती हूँ कितना अच्छा लड्डू बन रहा है। तो आप समझ जाइए अच्छे से मोयन लग चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लूँगी। मुझे आटा बिल्कुल पूड़ी जैसा बनाना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, जिससे हम लोगों के समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे। इसी तरह से मसलते हुए हमें आटा लगाना है। अब मेरा आटा बन चुका है, देखिए ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड। चलिए तब तक मैं फिलिंग की तैयारी कर लेती हूँ और आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। अब मैं एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालूँगी, 1 चम्मच जीरा। अब मैं इसको चलाते हुए इसमें डालूँगी थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च। ये मैंने 2-3 कटी हुई हरी मिर्च ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक है। अब इसमें मैं डालूंगी दरदरा कुटा धनिया पाउडर और डालूंगी 1 चुटकी हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर करीब 1/2 चम्मच के हिसाब से। अब मैं इसमें डालूंगी उबले और मैश किए हुए आलू। इसको अच्छे से ऐसे ही उलटते पलटते हुए मैं दबा दबा कर मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। मैंने डाला है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी फ्रोजन मटर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। मसालों में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। हमारे समोसे जब बनेंगे हलवाई स्टाइल समोसे बनेंगे। डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से दबाते हुए मैं मिक्स करूंगी जिससे अगर थोड़े भी बड़े बड़े आलू होंगे वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे और समोसे भरते हुए समोसे फटेंगे नहीं। अब मेरा आलू भुन चुका है तो मैं इसमें डालूंगी कटी हुई धनिया पत्ती। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तब तक मेरे आलू 10 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है। अब चलिए समोसा बनाने की तैयारी करते हैं। चलो देखते हैं आटा कैसा हुआ है। अब मेरा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसको थोड़ी देर गूंदेंगे और मैं अब इसकी 3 लोइयां बना लूँगी। 2 कटोरी आटे से मेरी 3 लोइयां बनी हैं जिसमें कम से कम 24 समोसे बन जाएंगे। अब इसको हाथों से दबाते हुए अच्छे से मुझे एक रोटी जैसी बेलनी है। जिस तरह से हम लोग घर में रोटियां बनाते हैं ना पतली, उसी तरह से मुझे समोसे के लिए भी एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। चलिए अब मैं इसको काट लेती हूँ जिससे बहुत ही झटपट समोसे बन जाएंगे।
अब मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, अब मैं इसको एक फ्लावर जैसा बना दूंगी। इसी तरह से आपको काटना है, इस तरफ से भी एक कट लगाऊंगी। अब देखिए बिल्कुल फ्लावर जैसा बन के तैयार हो गया है। अब मैं ऊपर से इसको थोड़ा थोड़ा तीन निशान लगाऊंगी, जिससे डिज़ाइन सी बन जाए और हमारे समोसे अच्छे लगें। अब मैंने इसके किनारे पे थोड़ा सा पानी लगा लिया है। अब इस तरह से उसको बंद करेंगे और उसके टॉप पार्ट को भी अच्छे से बंद कर देंगे, जिससे फिलिंग निकले ना। अब मैं डालूंगी अपने आलू का मसाला। मसाले को अच्छे से अंदर फिक्स कर दें। अब मैं लगाऊंगी ऊपर अच्छे से पानी, जिससे मेरा जो फिलिंग है वो निकले ना। अब इसको अच्छे से दबाते हुए इस तरह से बंद कर देंगे और उसके कोनों को भी अच्छे से दबा दबा के बंद कर देंगे, जिससे फिलिंग निकले ना और हमारे समोसे अच्छे बने। अब इसी तरह से मैं सारे समोसे बना लेती हूँ। चलो अब मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, वो भी लो मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसमें सारे समोसे डाल देती हूँ। याद रखिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पर तेल को गर्म ना कीजिए। अगर आप हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करेंगी तो आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। शुरुआत में मुझे लो मीडियम फ्लेम ही रखनी है। अब इसको अच्छे से उलटते पुलटते हुए इसी तरह से चलाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसकी फ्लेम को मीडियम कर दूंगी, जिससे हमारे समोसे टाइट ना हो। लो, हमारे समोसे बनकर अब तैयार हैं। मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। कितने क्रिस्पी समोसे बने हैं ना आटे के, और हेल्दी भी हैं। अगर आटे से समोसे बनाने का ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।